नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति शर्मा, कुक विद श्रुति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वेज फ्राइड राइस बनाना बताऊंगी। आइए हम जानते हैं इसकी सामग्री। ये मैंने बासमती चावल लिया था, मैंने आधा केजी के लगभग चावल लिया था। इसे मैंने धो के और मैंने इसे डबल पानी डाल के इसे मैंने पसा लिया है। और मैंने इसे ये देखिए, उसमें पकते चावल में मैंने एक चम्मच रिफाइंड डाल दिया था मूँगफली का, और मैंने नमक भी डाला था। और फिर मैंने इसे पानी इसका निकाल लिया है। देखिए इसका दाना दाना अलग हो गया है। ये सब्जी है, ये शिमला मिर्च, ये लहसुन है, ये फ्रेंच बीन है, और ये पत्ता वाला प्याज है, और ये गाजर है। इधर मैंने पत्ता गोभी लिया और ये फूल गोभी है। सब मैंने महीन महीन चॉप कर लिया है। और ये मैंने मूँगफली का तेल लिया है, और ये एप्पल विनेगर है। आप चाहे तो आप वाइट विनेगर भी ले सकती हैं। सोया सॉस, चिली सॉस, और ये रेड चिली सॉस, नमक और काली मिर्च। सब सब्जी मैंने एक एक कप ली है, और लहसुन मैंने आधा कप लिया है। तो आइए हम बनाते हैं वेज फ्राइड राइस। देखिए कढ़ाई में मैंने मूंगफली का तेल डाल दिया था, ये मैंने 4 बड़े चम्मच डाला है। अब ये गर्म हो चुका है, इसमें मैं ये कटा हुआ लहसुन डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकती है। प्याज हमें सब्जी से पूरी एकदम गलानी नहीं है। अब मैं इसमें फ्रेंच बीन, शिमला मिर्च और ये गाजर भी डाल देती हूँ। आपको जो सब्जी पसंद आती है आप वो डाल सकती हैं। मैंने इसमें सब्जी की मात्रा ज़्यादा ली है इस राइस में, क्योंकि सब्जी की ज़्यादा मात्रा फ्राइड राइस में अच्छी लगती है। आप अगर कम डालना चाहती हैं आप कम भी डाल सकती हैं। और मैं इसमें ये दोनों गोभी यही भी डाल देती हूँ, और मैं इसे तेज़ी आँच पर 1 से 2 मिनट पका लेती हूँ। ये देखिए अब मैं इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल देती हूँ। आप नमक थोड़ा हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि सॉस में सब में नमक रहता है। काली मिर्च 1/2 छोटी चम्मच, और मैं इसे अच्छे से मिला देती हूँ। अगर आप इसमें अदरक डालना चाहें तो अदरक भी डाल सकती हैं। अब मैं इसमें ये चावल डाल देती हूँ, और मैं इसे अच्छे से मिला दूँगी। अच्छे से सब चावल को मिला दिया है। अब मैं इसमें सोया सॉस, ये मैं 2 बड़ी चम्मच के लगभग डाल देती हूँ, ये छोटी चम्मच है। रेड चिली सॉस ये भी मैं 2 बड़ी चम्मच डाल दूंगी। और ये ग्रीन चिली सॉस है, ये मैं 2 चम्मच डालूंगी छोटी। और ये 2 छोटी चम्मच मैंने विनेगर डाला है। अब मैं इसे अच्छे से मिला देती हूँ। ये लीजिए, हमारा फ्राइड राइस झटपट तैयार हो गया है। मैं इसे अच्छे से मिला देती हूँ। देखिए हमारा फ्राइड राइस तैयार है। अब मैं गैस बंद करके इसकी प्लेटिंग करती हूँ। मैंने फ्राइड राइस की प्लेटिंग कर दी है। अब मैं इसके ऊपर ये कटा हरा प्याज है, पत्ते वाला जो मैंने पीछे का भाग रखा था, इसे मैंने काट लिया है। मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये लीजिए, गर्मा गर्म फ्राइड राइस तैयार है आपके खाने के लिए। तो आप भी खाइए और दूसरे को भी खिलाइए। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।